कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। और अभी बज रहे हैं घड़ी में सुबह के 9 और मैंने चाय वगैरह पी ली है और मैं बनाने जा रही थी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी स्प्राउट। तो रात को जैसे मैंने बताया था कि पिछले वाले ब्लॉग में कि रात को स्प्राउट कर दिए थे तो अच्छे खासे उसमें रूट्स आ गए हैं। रात को नहीं करे थे, एक दिन पहले वाली रात को किए थे। तो आज दूसरा तीसरा दिन है सॉरी मॉर्निंग का, और रात को किए थे उस दिन मैंने। तो अच्छे खासे स्प्राउट आ गए हैं। तो बस ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी और देख रही हूँ एक चीज़ और बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा दलिया बना दूँ। तो थोड़ा सा मैं दलिया बनाऊंगी नमकीन वाला, और चाय वगैरह मैंने पी ली है और हस्बैंड अभी सो रहे हैं क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई। वो भी सो रहे हैं, मैंने भी सो रहे। तो मैं जा गई थी और मैंने योगा वगैरह कर लिया है, एक्सरसाइज वगैरह पूरी हो चुकी है। तो अब मैं बनाने जाऊँगी और चाय बनाऊँगी। जब उठ जाएंगे ना तब मैं दूसरी चाय बना के उनको पिलाऊंगी और मैं भी पीऊँगी। मगर मैंने अभी चाय पी ली है क्योंकि चाय बिना मॉर्निंग अधूरी होती है। हाथ दुखने लगता है ऐसे लिए के कैमरे को। तो चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँ फटाफट से। तो पोहा ख़त्म हो गया था और मैं रावलदास का कभी अग्रवाल का पोहा यूज़ करती हूँ और तलाटी का। मुझे तलाटी का बहुत पसंद है मगर तलाटी का पोहा मिला नहीं था तो रावलदास का पोहा है ये। ये पोहा थोड़ा बारीक होता है, मुझे मगर तलाटी का पोहा बहुत ही पसंद था, पतला था ये। कट जा सिम सिम, कट गया। तो ये मेरा एयर टाइट कंटेनर है, मैं इसमें भर दूंगी इसको। क्यों गिर रहा है भाई तू मॉर्निंग में? ये और ये देखिए ऐसा रहता है थोड़ा बारीक, तो उसको थोड़ा गलाना पड़ता है ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी पीता है। इसको करके मैं रख दूँगी इसको। तो देखिए कितने अच्छे से ये रूट्स आ गए हैं इसमें। तो मैंने सो गाइस देख सकते हैं कि मैंने एक बड़े आकार का प्याज लिया है और इसको मैं अच्छे से छील के इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी कट करके। और मैंने बड़ा प्याज लिया है और आप देख सकते हैं कि इस स्प्राउट में कितने अच्छे से रूट्स भी आ गए हैं। और एक ये जाली नुमा डिब्बा है और ये बहुत ही अच्छा डिब्बा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे स्प्राउट वगैरह करने होते ना तो मैं इसी में करती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से ये आ जाते हैं और बढ़िया बिल्कुल एकदम से हवादार रहता है ना, तो उसकी वजह से और अच्छे से ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो देखिए मैंने बड़ा जो प्याज था ना उसको अच्छे से कट कर लिया है। इसमें मैं लूँगी कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, इन सबको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। अगर आपके पास बीन्स है तो आप बीन्स भी डाल सकते हैं इसमें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। अगर आप इसमें बीन्स डालना चाहते तो उसका भी बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है। और मैंने लिए हरी मिर्च, और ये जो हरी मिर्च है बहुत ही तीखी है तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्योंकि चटपटे ही बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो मैंने कढ़ाई एक तरफ चढ़ा दी थी तो उसमें मैं डालूँगी राई और जीरा, और फिर डाला मैंने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और जो मैंने प्याज कट करके रखे थे वो मैं डालूँगी इसमें, और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। अब मैं डालूँगी इसमें स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आप जितना तीखा खाते हैं उतना ही डालिएगा। और जो स्प्राउट थे वो मैं डाल दूँगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे रूट्स आ गए हैं, मुझे बड़े पसंद हैं ये। और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी
और ये नूडल्स की तरह हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी रहते हैं। अगर आप वेट लॉस प्लान ले रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये वेट लॉस के लिए बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी। और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इनमें, और तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह के स्प्राउट बनाने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ मुझे दोबारा बनाना है, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और जब ये बन जाए ना तो इसके ऊपर एक नींबू डाल दीजिएगा बढ़िया से, तो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ, और ये खाली खाने में ही अच्छे लगते हैं। और अब मैं काटूँगी पपीता। तो रात को फ्रूट्स आ गए थे बहुत सारे, तो उसमें एप्पल था, कीवी थी और पपीता था और क्या था, हाँ और क्या बोलते चीकू था। तो मैंने बोला कि चलो आज पपीते का नंबर लगाते हैं, क्योंकि पपीता बहुत जल्दी पक जाता है और इसमें देखिए एक भी बीज नहीं है। तो मैंने फटाफट से पपीता काट लिया और सबको पपीता सर्व करूँगी। और आज क्या है, मेरी आवाज़ है ना थोड़ी सी भारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से थोड़ा गला भी ख़राब हो रहा है। अगर थोड़ी सी कोई दिक्कत या अगर कुछ बोलने में गलत आ गया तो माफ़ कर दीजिएगा। हेलो जी, लाइट ऑन कर लूँ, बहुत अंधेरा सा हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कल श्राद्ध है, तो बस वही तैयारी कर रही थी। तो अभी मैंने इसमें गुड़, जो मीठी वाली पकड़ी बनती है, घाड़गे बनते हैं, घाड़गे बड़े बनते हैं, घाड़गे बोलते हैं हमारे यहाँ घाड़गे, तो गुड़ गला दिया है, इसमें छोले गला दिए हैं और इसमें मूँग की दाल गलाई है। मैं गला के रखती हूँ, और अभी जो अदरक आया था उसको डाल दिया मैंने पानी में, तो उसमें मिट्टी निकल रही है और दूध वगैरह गर्म हो चुका है। सब्जियाँ भी आ गई हैं तो इनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है, तो अच्छे से पानी वगैरह निकल जाएगा, क्योंकि चार पांच तरह की सब्जियाँ बनेंगी कल, ग्रीन सब्जियाँ, तो एक रसी की सब्जी रहेगी। जो भी थाली का मेनू रहेगा मैं कल आप लोगों संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओके, मंगाया था मैंने मैगी मसाला पाउच, ही तो बहुत ज़रूरी है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और ये मंगाई है महुए की पत्तल, जिस पे खाना खिलाएंगे ना, ये रावड़ कहाँ से आ गई, जिस पे खाना खिलाएंगे तो इसको गीला करके मैंने कपड़े से दबा के रख दिया, अभी और गीला करके रखूँगी तो ये ग्रीन की ग्रीन बनी रहेगी। तो ये महुए की पत्तल है, इसी पे हम लोग खाना खिलाते हैं, जो आएंगे उनको इसी पत्तल पे खाना खिलाया जाएगा, महुए की पत्तल पे। और यहाँ दूध गर्म हो रहा है और ये इसका हैंडल टूट गया है, तो बनवाऊँगी बाद में। तो चलिए, सो गाइज़ अभी घड़ी में बज चुके हैं 12 और अब जाके फ्री हुई हूँ, और बच्चों लोगों ने दूध वगैरह ले लिया है, और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और बाल देखिए मेरे कैसे हो रहे हैं, उटपटाऊ से हो रहे हैं, हवा में उठ रहे हैं, तो सुबह उठना है मुझे जल्दी। तो चलिए, और ये रितिका को देखिए, मौका मिल जाए बस, मम्मा मोबाइल में बात कर रही है और मैं बात ना करूँ, कैसे हो सकता है। मम्मा के चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसे ब्लॉग्स बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, और कल का जो ब्लॉग रहेगा बहुत ही बेहतरीन आने वाला है, जो कल पितृ पक्ष रहेगा उसमें जो मैं मेनू अपना बनाऊंगी ज़रूर देखिएगा। मगर आज का भी ब्लॉग बहुत अच्छा है, आप आज का भी ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, टेक केयर, और ब्लॉग पूरा देखिएगा और लाइक जरूर।
कीजिएगा। चलिए बाय, गुड नाइट।